हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोग के लिए एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, माय मदर एट 66। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेगा, ऐसा गारंटेड है। मतलब हो सकता है कि आपको सेंट्रल आइडिया पूछे, या फिर हो सकता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब इससे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आपको जरूर डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोयम आपका ये है। तो चलिए, अगर हो सकता ये फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पोयम ही है आपकी, तो इसीलिए हो सकता है स्कूलों में भी स्टार्ट कर दिया गया होगा, और नहीं किया गया होगा तो चलिए हम इसे समझते हैं, और ताकि आपको आगे जाके आसानी होगी समझने में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा। ठीक है, तो ये स्टेंजा दिया हुआ है, ठीक है, आपको इस तरीके से स्टेंजा दे देगा, और फिर उसके बाद आपको रेफरेंस उसका लिखना रहेगा कि मतलब क्या बताया गया। कहते हैं ना संदर्भ फिर व्याख्या, तो वही आप समझ लीजिए। तो इसमें आपको क्या बताना है, जैसा कि मैं ऑलरेडी सेंट्रल आइडिया आपको दी हूँ, तो उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे से और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है, और काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। सो इसलिए मैंने ये भी लेके आया, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सेंट्रल आइडिया की जगह पर ये पूछ लेता है। दिस ब्यूटिफुल स्टेंजा, सॉरी, ये जो ब्यूटीफुल स्टेंजा है, अगर आप ये न लिखना चाहें, स्किप करना चाहें, तो ये भी आप लिख सकते हैं, दिस स्टेंजा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ लिखने की मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बट आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि याद करना है। दिस ब्यूटीफुल स्टेंजा, सबसे पहले आपको सॉरी मैं एक बात बता दूँ कि ये जो पोएम है ये कमला दास ने लिखा है। किसने लिखा है? कमला दास। और ये कमला दास नाम आप बार 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 रट डालिएगा, क्योंकि माई मदर एट 66 कमला दास, ये आपको याद करके रखना है। कुछ भी आए तो आपको सेंट्रल आइडिया आए, चाहे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, किसी में भी आपको ये लाइन तो याद रखनी ही है, क्योंकि ये लाइन आप लिख देंगे तो सामने वाले को एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई बच्चे को याद है, ठीक है। तो दिस ब्यूटीफुल स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, बस इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, इसमें याद नहीं करना है इसको, ठीक है। तो ऐसा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम, टेकन फ्रॉम लिया गया है, द पोयम, फ्रॉम द पोयम मतलब कहाँ से, फ्रॉम द पोयम, पोयम का नाम लिखना है, फिर कंपोज, जो कि कंपोज बाई, किसके द्वारा कंपोज किया गया है, कंपोज बाई कमला दास। आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नंबर कटेंगे, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। तो रेफरेंसेस में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि ये जो स्टेंजा है, ठीक है, ये माई मदर एट 66 पोएम से लिया गया है, और इसको कंपोज किसने किया है, इट इज़ कंपोज बाई कमला दास, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ लिखना है रेफरेंस में, इसमें बहुत ज़्यादा याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, और इस सेंट्रल आइडिया में भी ये लाइन आपको सबसे स्टार्टिंग में लिखना होता है। तो इसी के साथ साथ आपका ये भी तैयार हो जाएगा एक टॉपिक, सेंट्रल आइडिया, जो कि मैं आपको बताते जा रही हूँ, और नहीं तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा मेरी, उसमें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट फिर हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। पोएटिस कमेंडेड रिलेशन बिटवीन मदर एंड डॉटर। इस पोएम में क्या किया गया है, जो पोएट है उन्होंने क्या किया है, एक मदर और डॉटर के बीच का जो रिलेशन है उसे डिफाइन किया है, ठीक है। क्या किया है, मतलब एक मदर और डॉटर के बीच के रिलेशनशिप को बताया है, समझाया है, इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है, ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो डिफाइन हर मदर एजिंग, और उसके मदर की जो एजिंग है, मतलब जो इस एक तरीके से कह सकते हैं बुढ़ापा है, उसे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके का आप इसमें लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अपने शब्दों में भी आप इसे लिख सकते हैं। देन फिर हम पहुँचते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना है, बाय दिस पोएम पोएटिस एक्सप्रेस, मतलब इस पोएम के थ्रू क्या कर रही है पोएटिस, पोएटिस क्या कर रही है, हमारा एक्सप्लेन कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है अपना पेन, ठीक है। क्या कर रही है वो, क्या होता है कि इस पोएम में जो पोएटिस है वो अपनी माँ को देख के उसे अपनी माँ को खोने का एक डर उसके अंदर समा जाता है। किस लिए, क्या होता है कि जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे जो माँ बाप होते हैं वो उनकी एज ढलने लगती है, तो वो बूढ़े होते
होते जाते हैं, तो बूढ़े होते जाते हैं तो सभी, ये तो शाश्वत सत्य ऐसा कहा जाता है कि मतलब मृत्यु तो सभी की होनी है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अपनी माँ को लूज करने का, मतलब खोने का एक डर समा जाता है। तो उसी डर को इस पोयम में दिखाया गया है। अब ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस पोयम में क्या किया गया है, पोएटिस एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस करती है हिज ग्रीफ एंड ऑल्सो फीलिंग, अपना एक डर जो होता है बहुत एक अंदर से उसको लग रहा है कि मतलब कहीं मैं अपनी माँ को खो न दूँ, एक डर। जब ऐसा किसी को भी ऐसा महसूस होगा तो आप सोचिए उसे कितना डर लगेगा, क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ से उतना ही प्यार करता है, और चाहे कितना भी बड़ा हो जाए हर कोई अपनी माँ से उतना ही प्यार करता है। तो एक जो खोने का डर, मतलब आप खुद महसूस करके देखिए कि कितना बड़ा होता है। तो इसी को पोएटिस ने इस पोयम में एक्सप्लेन किया गया है, तो किया है, ठीक है। तो यही आपको लिखना है, बाय दिस पोयम पोएटिस एक्सप्रेस हिज ग्रीफ एंड ऑल्सो फीलिंग, ठीक है, पेन फॉर हर मदर एजिंग, उसके मदर की एज के लिए जो उसको पेन है कि अरे यार मेरी मम्मी बूढ़ी क्यों हो रही है, क्यों उनकी मतलब जैसे कहते हैं ना मृत्यु पास आना, एक एज बढ़ती जाती है तो ऐसा लगता है अरे यार हमें छोड़ के ना चली जाए, मतलब इस टाइप का जो डर है। हर फेस इज पेल लाइक अ डेड बॉडी, मतलब उसकी जो मदर है वो काफ़ी ऑब्वियसली 66 एज में है, ठीक है, तो उनकी जो मदर का फेस है वो पेल मतलब मतलब ढल गया, ऐसा कह सकते हैं आप इसको कि मतलब ढल गया इन द सेंस कि मतलब जैसे बहुत मुरझाया हुआ सा, जैसे कोई बीमार हो कि पेल स्किन हो गई है उसके, पेल मतलब दिख रहा है फेस जो है वो पेल हो गया है। इसका मतलब यही होता है कि बहुत जैसे एजिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, बूढ़े लोग कैसे दिखते हैं उसी टाइप का, लाइक अ डेड बॉडी, जैसे डेड बॉडी पड़ी रहती है, मतलब एक डेड बॉडी होती है उसका फेस पे कोई ग्लो नहीं होता है, कोई शाइनिंग नहीं होती, कोई मतलब ऐसे जीवंत टाइप का वो नहीं दिखता है, तो उस टाइप का उसे महसूस हो रहा है। शी वॉज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून, वो अपनी मम्मी के जो फेस होता है उसको कंपेयर कर रही है किससे, लेट विंटर्स मून, ये लाइन भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो लेट विंटर्स मून मतलब विंटर मतलब ऑब्वियसली आप सभी को पता है ठंडी, तो जब बहुत ठंड होती है तो कैसे मून जो है वो धुंधला धुंधला सा दिखता है, मतलब एकदम चमकता हुआ नहीं दिखता है, पूरा चांद हमें नहीं दिखता है, जैसे ढला हुआ सा मतलब ऐसे धुंधला जैसा दिखता है, क्लियर नहीं रहता है, तो उससे उसने अपनी माँ के फेस को कंपेयर किया है। बिकॉज द लेट Winter's moon is calm and vague, ठीक है। तो poetess कमला दास also define the life of childhood एंड ओल्ड एज, उन्होंने क्या किया है, एक बच्चों का मतलब एक बचपन और ओल्ड एज दोनों को अपने इस पोयम में उन्होंने डिफाइन किया है। क्या किया है उन्होंने, पोएटिस कमला दास ऑल्सो डिफाइन द लाइफ ऑफ चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, ठीक है, तो चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज को दोनों को डिफाइन किया है। द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लाइफ, मतलब ये जो फ्लो ऑफ लाइफ लाइफ जो है जो चल रहा है, ठीक है, हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑफ द बोथ साइड, ये दोनों साइड होता है, इसको पूरे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कमला दास ने। तो यही चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है, जो कि ऑलरेडी आपने आपको यही एक चीज़ भी याद कर लेंगे इसमें कोई सा भी, तो आपको सेंट्रल आइडिया में भी काम आएगा और इसमें भी इजीली लिख सकते हैं। तो क्या किया है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ लाइफ, जो लाइफ चलती रह रही है जो उसको भी उन्होंने क्या किया है, उसके दोनों साइड को, बोथ साइड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मतलब दिखाया है, बताया है उसके बारे में। In My Mother at 66, poet captures a message that, क्या मैसेज दे रहे हैं ये इस पोयम में, क्या जो पोएटिस है वो क्या हमें मैसेज दे रही है वो हम देख लेते हैं। वो मैसेज दे रही है कि एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, क्या है एजिंग, क्या है उम्र जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि घड़ी बंद कर देने से उम्र रुक जाएगी या फिर टाइम रुक जाएगा, टाइम ऐसी चीज़ है जो चलता रहता है, तो उसी तरीके से एज ऐसी चीज़ है जो कभी रुकता नहीं है, वो दिन पे दिन घड़ी घड़ी मतलब एक एक सेकेंड बढ़ता है, ठीक है। तो एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये इस पोयम में एक तरीके से बताया गया है। एट लास्ट पोएटिस वॉज smiled and her smile signifies some sort of hope,
मतलब वो लास्ट में क्या होता है, जब वो एयरपोर्ट पे उसकी मम्मी जो उसे छोड़ने गई रहती है, अपनी मम्मी को जब बाय करती है, तो लास्ट में वो स्माइल कहती करती है और लास्ट में सी यू सून अम्मा कहती है, जो इसमें नहीं मैंने लिखा है, लेकिन वो अपनी अम्मा को क्या कहती है, सी यू सून, मतलब एक बिलीव के साथ, एक होप के साथ कि मतलब हम फिर मिलेंगे, ठीक है। जैसे होप दैट शी इज़ प्रॉमिसिंग टू मीट हर मदर अगेन, वो जैसे प्रॉमिस करना, एक होप लेना कि ऐसा जैसे होता है ना कि अरे यार हम दोबारा मिल पाएंगे कि नहीं, तो ऐसा ये जो डर है इससे ओवरकम होके, इससे ऊपर उठ के वो अपने आप में एक अपने आप को होप दिखाती है, स्माइल करती है अपनी मम्मी के सामने, और ये प्रॉमिस करते हुए मतलब अपने आप से कि हाँ ठीक है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पोयम जो है वो फिनिश होता है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको ये समझ में आया हो, समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से ट्राई करूँगी आपको समझाने की। और अदरवाइज़ अगर समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई दूसरा टॉपिक भी समझना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी आपकी हेल्प करने की। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।